हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव के कुसुम में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आज का ब्लॉग सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से एकदम नई जोश, नए उमंग के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे, पराठे और चाय बना रही थी मैं आज। तो बस और यहाँ पर मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने रख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी जो डॉली बकरी है उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उसे ना गर्म पानी पिलाने को बताया है। तो बस वही मैं यहाँ पर पानी गर्म कर ले रही हूँ और पराठे बना ले रही हूँ जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लौकी की लौंज, मतलब उसे लौकी का हलवा भी बोलते हैं पर लौकी की लौंज बोलते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले मैं आ गई हूँ इसके लिए अपनी छत पर। छत पे से मुझे लौकी तोड़नी है। तो भाई देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा अच्छी लौकी लगी हुई है। तो बस मैं यहाँ से लौकी तोड़ ले रही हूँ फटाक से। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बहुत भी लगी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी लगी हुई हैं ये देखो। तो मैंने बस दो लौकी मुझे तोड़नी थी, वो मैंने तोड़ ली। और बस मैं आपको व्यू दिखा दे रही हूँ, कितना प्यारा लग रहा है ना। इसी बात पे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। तो ये देखो कितनी अच्छी अच्छी लौकी लगी हुई है ना, बहुत सारी लौकी लगी हुई हैं, कम से कम 10 से 15 लौकी लगी हुई हैं। तो मैंने कहा तो लौकी वेस्ट हो जाएंगी, तो मैंने कहा इसीलिए लौकी का आज हलवा बना देते हैं। तो ये देखो मैंने दो लौकी तोड़ ली, अब चलते हैं नीचे। कहते हैं ना, जाके राखो साइयाँ, मार सके ना कोई। तो वही आज हमारे साथ हुआ। आज ना हमारे घर में एक बहुत बड़ा सा मतलब बिस्खापर, बिस्खापर आप लोग जानते होंगे, तो वही निकला था। उसका ना मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, उसके ऊपर आपको बताऊंगी कितनी ज़्यादा दहशत फैल गई थी उसके कारण। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वो वीडियो आएगा कल। तो बस कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। ये वाला दोहा किस किस ने पढ़ा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसा ही होता है आप जब कहीं बाहर जाते हो तो। चलो ये देखो, फिर उसके बाद मेरी जो छोटी बहन है उसने, मैं चली गई थी यहाँ पर नहाने छत पर से आने के बाद। मैंने कहा तब तक आप एक काम करो, आप लौकी को छील कर और मतलब उसको अच्छे से मतलब उसको घिस लो अच्छे से। तो इससे भाई ये घिस ले रही है तब तक लौकी को, तब तक नहा के आ जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा फिर उसके बाद दोपहर ही में बनाऊँगी। ये टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो घाम काफ़ी हो गई। देखो ये कितनी ज़्यादा लौकी हो गई है, इन्होंने छील लिया है बस। अब इनको ये अच्छे से मतलब ग्रास कर ले रही हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आए का प्रोसेस। इसको बनाने में ज़्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे लगते हैं, पर जब ये बन के तैयार हो जाती है ना, इतनी अच्छी लगती है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखो इतनी ज़्यादा मैंने अभी कर ली है। तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे ही हो पाता है। तो वो मेरी छोटी बहन कर रही है, फिर मेरी छोटी बहन ने कर दिया था सारा, बस ये थोड़ी सी रह गई थी। तो मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ, तो अपना काम करो। ये मेरी तनु आ गई है, ये देखो छिलके खाने, ये हमारी तनु है। तनु तो आप जानते ही होंगे, इसको देखो मैंने मार के भगा दिया। मैंने कहा आप जाओ तनु, तब तक मैं अपना काम कर ले रही हूँ। तो ये देखो उधर मैं चूल्हा जलाऊँगी, तब तक जल्दी से एकदम से ये काम कर लेती हूँ, फटाफट से मैं चूल्हा जला लूँगी बस। फिर उसके बाद जल्दी से बनाते हैं लौकी का हलवा। मैंने कहा चलो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। वैसे ही मैंने बहुत दिनों से बनाया नहीं है लौकी का हलवा। तो ये देखो अब मैं जल्दी से चूल्हे में आग को जला ले रही हूँ। और कौन कौन मेरी तरह गांव से है कमेंट ज़रूर करना, किस किस को लौकी का हलवा अच्छा लगता है खाने में और किस किस को बनाना आता है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। जब आप अगर आप एक कमेंट करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। कोई भी ब्लॉगर होता है सभी को खुशी होती है जब उसके ऊपर कमेंट आते हैं। तो आप प्लीज़ आप वीडियो को ढेर सारे लाइक और ढेर सारे कमेंट किया कीजिए। तो बस ये देखिए आग को मैंने जला दिया है, तब तक फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लौकी धो ले रही हूँ। ये देखो मैंने सभी लौकी को अच्छे से धुल लिया, इतनी लौकी हमारी निकली है बस। अब मैं जल्दी से एकदम से कढ़ाई रख के और इसमें अब एकदम से मैं बना दूंगी लौकी का हलवा। हमारे यहाँ पर इसको लौकी की लौंज भी बोलते हैं। तो ये देखो बस अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ कढ़ाई में ये लौकी। तो बस इसको डाल देते हैं, फिर उसको पानी डालकर इसको उबाल लेंगे थोड़ी देर के लिए।
लौकी में चीनी डाल दी थी, चीनी मैंने डाली थी 1 या 2 टिपन मैंने चीनी डाल दी थी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं चीनी, आपको कम मीठा पसंद है, आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है, तो इसी हिसाब से हम सभी तो को तो मतलब ज़्यादा मीठा खाना पसंद है। वैसे तो ये लॉन्च में बनाने वाली नहीं थी हलवा मतलब लौकी का, पर मेरी मम्मी थी, फिर मेरी मम्मी ने फरमाइश की कि लौकी का हलवा खाना है, तो फिर मैंने कहा मम्मी की फरमाइश कैसे टाल सकते हैं, तो मैंने कहा आज चलो बना देते हैं लौकी का हलवा। फिर मुझे चीनी थोड़ी कम लग रही थी, तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी और चीनी ऐड कर दी है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको मतलब कितनी क्या चीनी डालनी है। तो बस ये देखो अब हमारा ये लौकी का हलवा बनने वाला है। ये लौकी का हलवा बस 4 से 5 मिनट बाद बनके तैयार हो जाएगा। और जो मावा था, मावा मैंने रात को ही बना लिया था, मैंने ब्लॉग में नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि रात में मतलब आपको पता है कैमरा इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है, तो इसीलिए। तो बस अब ये देखो ये बन जाएगी, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल में कैसा लुक रहा। ये देखिए ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मावा मैंने कल शाम को ही बना लिया था। बस अब मैं इसमें डाल के मावा अच्छे से इसको मिला दूंगी, इससे कि अच्छे से पूरी लॉन्च में हलवा में मतलब मिक्स हो जाए। और आपने देखा होगा बहुत से ब्लॉगर्स को मतलब जो फूड वाले उनके चैनल हैं वो इसमें हरा कलर भी डालते हैं, पर मुझे हरा कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए जो जैसा नेचुरल कलर होता है वैसा ही अच्छा लगता है। तो ये देखो हमारा ही तो मतलब जो लौकी का हलवा है कितना अच्छा कलर दिया है ना। अभी इसमें मावा थोड़ा कम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा मावा और ऐड कर देंगे, फिर आप देखना। और उसमें मैंने ना इलायची पाउडर और डाला है, ध्यान मत भूलिएगा। आप जब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं ना, तब इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही मज़ेदार आता है। तो बस अब इसमें थोड़ा सा मावा और ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद इसको अच्छे से देखो दिखाते हैं आपको कितनी अच्छी बन के रेडी होती है। बस थोड़ा सा ही मावा इसमें ऐड किया है, बस अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अब देखो ये हमारी हो चुकी है बनकर तैयार लौकी की लॉन्च। तो किस के मुंह में पानी आ रहा है लॉन्च देखकर कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। बस और इसके बाद यहाँ पर मम्मी है, तो मैं कह रही हूँ मम्मी पहले आप ही खाओ, जब आपने बनवाई है तो पहले आप ही खाओ और टेस्ट करके बताओ मैंने कैसी बनाई है। वैसे तो अच्छी लगी रही है देखने में, पर खाने में और देखने में अंतर तो होता है ना। तो बस ये देखो अब मैं इसमें कटोर दान है, अब मैं इसमें कर दे रही हूँ बची खुची लॉन्च, और थोड़ी बहुत है वो मैं अपने लिए बचा लूँगी, बस थोड़ी सी अपनी और अपने छोटी बहन के खाने के लिए। तो ये देखो ये मेरी छोटी बहन है, उसने अपने खाने के लिए ली है, वो दिखा रही है आपको पास से कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी टेस्टी लग रही है, बहुत ही अम्मी लग रही है। फिर बस ये मेरी डॉली है, आप सभी ने कमेंट किया था डॉली की तबीयत कैसी है, तो अब थोड़ी ये देखो ये इनकी फैमिली आती है इनसे मिलने आए डॉली के बच्चे, धीरे धीरे इसके बच्चे कैसे इससे मिल रहे हैं ना, इसकी तबीयत तो बस दो बच्चे ये बड़े समाप्त करते कि आप सभी को अच्छा लगा होगा ब्लॉग। मैं सही कही ना, मैं ऊपर ही चढ़ रही थी डॉली के लिए एक लाइक जरूर कर देना और आपको अपडेट मिलती रहेगी।